Chang, Angel Gabriel Tarrant, student in this video for Shehnaaz Gill. And many people wanted to know that whether Shehnaaz Gill will able to become any judge of the show or any brand ambassador of any company, and whether she, in future she will be able to work with big actors like Prabhas and any other big actor like Hrithik Roshan, whosoever in the industry, the big actors are there in that industry, there are many. So I will ask this question. मेरे आसपास जो कोई भी divine energies हैं, positive energies हैं, please मुझे बताएं कि Shehnaaz क्या कभी किसी शो की, किसी भी फ्यूचर में किसी शो की जज बन सकती हैं क्या? रियलिटी जो शोज होते हैं, जो डांस और परफॉर्मेंस के, सिंगिंग के, किसी के भी शो के कभी Shehnaaz Gill क्या कभी जज बन पाएंगी का फ्यूचर में? कभी भी अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि वो जज नहीं बन पाएंगी। पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड। फ्यूचर में कभी भी किसी शो की जज बन सकती हैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि Shehnaaz Gill जज बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं, और ये कैपेसिटी, अपनी कैपेबल है, ये इतनी ये रखती हैं क्षमता कि ये जज बन सकें। मैं ये पूछ लेती हूँ कि इसी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी क्या ये? मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि Shehnaaz Gill कभी किसी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। यस, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। दैट मीन्स शी विल गेन दैट पॉपुलैरिटी, और उनको एक लेवल मिलेगा जो एक जो एक्ट्रेस को, एक हीरोइन को जो मिलता है, एक फेमस एक एक्ट्रेस होने का इनका लेवल दिखा रहा है कि ये सब चीज़ें इनके लाइफ में आगे जा कर के होंगी। मैं इसमें पूछ लेती हूँ कि किसी ने पूछा हुआ है कि क्या वो किसी किसी बड़े एक्टर के साथ काम करेंगी क्या? मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि Shehnaaz Gill आगे जाके किसी बड़े एक्टर के साथ इंडस्ट्री में काम कर सकती हैं क्या? उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। यहाँ पे 50% जो है केवल पॉसिबिलिटीज हैं, केवल 50% मैं बता दूं, बिल्कुल नेगेटिव कार्ड तो नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी बिग एक्टर के साथ काम करते वक्त इनके ऑब्स्टिकल्स थोड़े से आ सकते हैं, हो सकता है इनको पीछे हटना पड़े। तो ऑफर तो आएगा, नो डाउट ऑफर आएगा। अब ये इन पे डिपेंड करेगा कि ये उसमें कितनी सक्सेसफुल हो पाएंगी। मैं ऐसे मैसेजेस देख लेती हूँ कि करियर वाइज इनका कैसा शो कर रहा है 2022। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि Shehnaaz Gill के लिए करियर वाइज कैसा जाएगा 2022, दिस ईयर हाउ विल गो फॉर Shehnaaz Gill करियर वाइज, प्रोफेशनली अगर मैं देखूँ तो किस तरह का जाएगा इनके। मैं बता दूँ कि इनका करियर वाइज जो है, जैसे कि मैंने बोला कि इनके ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, रुकावटें बहुत हैं, दिमाग में चिंताएं घूमती रहेंगी, और ये बहुत चाहेंगे कि इनको जो है चाहिए कि बहुत ही कूल और काम तरीके से अपना सोच समझ के कोई डिसीजन लें। ये अपना तो ज़्यादा अच्छा है, किसी चीज़ को देखें, परखें, ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, तब ही किसी पेपर पर साइन करें या उस प्रोजेक्ट को, मूवी को जो है वो एक्सेप्ट करें। अदरवाइज ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है, रुकावटें बहुत आएँ। इनका किसी के साथ विवाद भी दिखा रहा है, हो सकता है कि डायरेक्टर या मैनेजर के साथ विवाद हो सकता है, ये कुछ कहेंगी और Shehnaaz कुछ कहेंगी, और जो डायरेक्टर मैनेजर कोई भी हैं वो कुछ कहते रहेंगे, तो आपस में विवाद दिखा रहा है, और इसमें जिसकी वजह से ये थोड़ा सा दूर जाना चाहेंगी। परेशानियां हैं इनके लिए करियर वाइज, यहाँ ये शो कर रहा है 2022, थोड़ा सा परेशानी भरा है इनके लिए, दिमाग में तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की वरीज, जैसे होता है ना इंसान बेवजह सोचता रहता है और जो है बस परेशान होता रहता है, और इनको फ्रस्ट्रेट करने वाले लोग बहुत रहेंगे, हर समय इनके पीछे कोई ना कोई पड़ा रहेगा, हर समय इनको परेशान करने वाले लोग पड़े रहेंगे, किसी तरीके से इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं इसमें और देख लेती हूँ कि 2022 एक्चुअली इनका है करियर वाइज कैसा है Shehnaaz Gill का। इनकी कोई बातें जानने की कोशिश करेगा, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि इनकी जो है बातें जानना,
कि ये क्या डिसाइड कर रही हैं अपने लाइफ में, करियर के लिए कौन से प्रोजेक्ट पे साइन कर रही हैं, कौन सी मूवी नहीं कर रही हैं या कर रही हैं, किस एक्टर के साथ कर रही है, सारी बातें इनकी जानने की कोशिश ना बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से वो ये नहीं चाहेगा कि इनका जो ये ड्रीम है एज अ बिग एक्ट्रेस बनने का वो पूरा नहीं होने देगा कोई जना इनका, और यहाँ इनकी इंसल्ट भी हो सकती है, मैं आपको ये भी बता दूँ। हालांकि फिर भी ये बहुत कोशिश करेंगी कि ये प्रोग्रेस करें, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगी, ऑलरेडी प्रोग्रेसिव है लेकिन और प्रोग्रेस करने की कोशिश, इन सब चीज़ों से ओवरकम करने की कोशिश ये करेंगी। और इनका किसी के साथ जो है वो बहुत तेज़ झगड़ा दिखा रहा है, इनका गुस्सा बहुत तेज़ यहाँ दिखा रहा है, हो सकता है यही गुस्सा जो है इनको आगे बढ़ा करके लेके जाएगा। ये जो इनका जो शनाज गिल का जो ये जैसे जो विल है, इनकी विल पावर है यहाँ दिखा रहा है, किसी के साथ ही बहुत तेज़ जो है झगड़ा होगा, उसके बाद ही ये सब चीज़ें अपने हक में करना चाहेंगी, जो कि बनता भी है, सही भी है, क्योंकि कोई जो ना इनको गलत तरीके से इनकी बेइज्जती करना, इनकी सारे सपनों को जो है सपना ही रहने देना खाली, और सारी बातें चुपके से सुन लेना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी शनाज गिल के साथ। तो आई थिंक उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, बाकी वो प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेस करेंगी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिखा रहा है इनका इसमें। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।